स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ सैन इग्नासियो के टाउन में जो कि है बेलीज कंट्री में, और यहाँ से आज हम ट्राई करेंगे कि ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी पहुँच जाएं। ट्राई करेंगे क्योंकि यहाँ से ग्वाटेमाला सिटी है 600 किलोमीटर, और यहाँ से पहले बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, फिर फ्लोरेस करके एक टाउन है वहाँ जाना पड़ेगा, फिर फ्लोरेस से बस मिलेगी ग्वाटेमाला सिटी की। मिलेगी भी या नहीं कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आज है ईस्टर का दिन और काफ़ी सारी बस सर्विसेज बंद होंगी, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बंद होंगे, सब कुछ ही बंद रहता है। ईस्टर बहुत सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं लोग ईस्टर का, पूरे क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस से भी बड़ा त्यौहार मानते हैं ईस्टर को क्रिश्चियनिटी में। तो देखते हैं भाई कैसा क्या रहता है। हमारा पिछला हॉस्टल था बेलीज सिटी में, उन्होंने हमसे मांगे थे 100 US डॉलर आपको ग्वाटेमाला सिटी तक पहुंचाने के बेलीज सिटी से, और हम बेलीज सिटी से सैन इग्नासियो तक आ गए हैं $5 में। अब देखते हैं कितने में ग्वाटेमाला सिटी पहुंचते हैं। अगर $100 में ही पहुंचे तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई $100 में पहुंचे हम तो, और हमारा तो फुद्दू कट गया, इतने सब चेंज वेंज करके गए, आप सीधी शटल ले लेना। सैन इग्नासियो इस वाले हॉस्टल से हमसे मांग रहे हैं $25 फ्लोरेस तक पहुँचाने के, ठीक है। तो फ्लोरेस यहाँ सिर्फ 100 किलोमीटर है और वहाँ तक के $25 मांग रहे हैं, बेली डॉलर नहीं US डॉलर मांग रहे हैं कि हम आपको $25 में शटल में भेजेंगे, और वो शटल आएगी 2:30 बजे या 3 बजे दोपहर में और आपको रात को पहुँचाएगी फ्लोरेस में। तो हमारा पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता, तो हमने सोचा खुद ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चल के देखते हैं कैसा क्या रहता है और कितने डॉलर में वहाँ तक पहुँचते हैं। चलो भाई आ जाओ, चलो संडी भाई। तो प्लान ऐसा है कि यहाँ से हम लेंगे पब्लिक बस और जो हमको छोड़ेगी बॉर्डर पे, बॉर्डर पैदल क्रॉस करके वहाँ से हम लेंगे शटल, जो जाएगी शटल मतलब एक मिनी वैन जो जाएगी फ्लोरेस तक। देखते हैं ये प्लान कामयाब होता है या फिर नहीं। भाई यहाँ पे एक चाइनीज़ दुकान में आए हैं क्योंकि हम मैग्नेट लेना भूल गए बेलीज़ का। इतनी जल्दी जल्दी में कंट्री क्रॉस करी ना कि बेलीज़ का मैग्नेट ही दिमाग से निकल गया, वो तभी संडी भाई को याद आया कि बेलीज़ का मैग्नेट तो लिया ही नहीं। तो मैंने कहा टूरिस्ट ही तो बहुत है कंट्री, मिल भी जाता मैग्नेट, पर आज सब कुछ बंद है। चाइनीज स्टोर वाला बंदा भी कह रहा है कि भाई सब कुछ बंद है आज, आपको शायद ना ही मिले, तो कोई और मेरा दोस्त आएगा तो उससे मंगा लेंगे, अब क्या कर सकते हैं। वहाँ पे खड़ी है भाई एक बस जो कि जा रही है, देखो बेलीज लिखा है उस पर, वो जा रही है बेलीज सिटी। अब उस आंटी ने बोला कि भाई या तो 1 घंटा वेट करो जो बॉर्डर तक जाएगी बस, या फिर टैक्सी ले लो। तो अब देखते हैं, टैक्सी वाले जेन्युइन प्राइस मांगेंगे तो हम टैक्सी में चल लेंगे, वरना 1 घंटा वेट कर लेंगे। तो भाई बॉर्डर की बस का ही वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के टैक्सी वाले पूरे बेशरम है। पता क्या बोल रहे, 12-13 किलोमीटर नहीं होगा यहाँ से बॉर्डर, बोले $50 लेंगे हम बॉर्डर तक के। मैंने कहा अच्छा, फिर पता क्या बोला संडी भाई ने, बोल दिया कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो बोला यस बेलीज, मैंने नहीं बोला एक्सपेंसिव, खुद ही बोलने लग गया वो। नहीं आपने बोला था इस पेट्री एक्सपेंसिव बोला था, देख तो आपको बोला था उसको थोड़ी ना, अच्छा सुनाई तो दिया ना उसको। तो हमने कहा भाई एक्सपेंसिव है तो आपस में ही, तो कहता यस बेलीज इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज एक्सपेंसिव। अबे क्या कहने का मतलब है, तू क्या सोच रहा 10 मिनट में तू 50 कमा लेगा, तेरी दिहाड़ी तो यहाँ पे 1 घंटे की 5 है, वो भी मतलब देखते होंगे तो देखते होंगे वाली बात है, वरना तो 1 महीने में यहाँ पे $600 से ज़्यादा नहीं कमा रहे लोग, और तू चाह रहा है कि 10 मिनट में तू 25 कमा ले। भाई वही है, ठीक है खड़ा रहे तू, हम तो बस में चले जाएंगे अभी आएगी थोड़ी देर बाद। भाई इस खटारा टैक्सी के दे दो इनको $25 10 किलोमीटर के। अब क्या हवाई जहाज उड़ा रहा है क्या साले, या $15 में तो भाई एक देश से दूसरे देश यूरोप में फ्लाइट जाती है, यहाँ भाई मतलब $25 में तो अबे हमको फ्लोरेस की शटल मिल रही है $25 में, तो तेरी टैक्सी क्यों लेंगे हम, फ्लोरेस की शटल मिलने लग रही है $25 में एक जने की, पागल मतलब कुछ भी रेट बोल दो हैं, अबे तू ले हमसे $5-10 ले ले। भाई देख लो कितने रामी है यार, ऐसी आती है मेरे को तो इन सब पे, जो ओला उबर ने कर रखा है ना बिल्कुल सही कर रखा है, मैं बिल्कुल ओला उबर के सपोर्ट में हूँ। अगर ओला उबर इंडिया में ना हो ना, मुंह मांगी कीमत मांगेंगे भाई टैक्सी वाले, और मजबूरी का फ़ायदा उठाना ही कहते हैं इस चीज़ को कि बंदा मजबूर है इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। जैसे दुबई वगैरह में है ना मीटर टैक्सी है, दुबई में मीटर टैक्सी थी, अर्जेंटीना में मीटर टैक्सी थी, वो करो तुम करो अपने देश में, जो देश नहीं कर रहे ना ये सब मतलब वही है, वो एक तरह से करप्शन को ही बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई नई मीटर टैक्सी नहीं लगाएंगे, और जो मीटर टैक्सी में नहीं चल रहा बंदा उसका काटो तुम खतरनाक वाला चलान, या फिर उसका लाइसेंस ही रद्द करो। हैं ऑटोमेट मीटर तो लगे हुए इंडिया में, बंदा कहता नहीं मीटर से नहीं जाएंगे, मीटर से नहीं जाएंगे। अगर वो ऐसा करके कोई रिकॉर्डिंग भेज देना उस ऑटो वाले का लाइसेंस रद्द कर दो। अरे यार ईमानदारी से कमा लो पैसा, हम कौन सा भाई बिल्कुल मतलब ऐसे कमा रहे हैं कि फ्री के पैसे आने लग रहे हमारे पास, तुम $10 के $50 मांगोगे हैं कोई सेंस चीज़ की।
भाई ये टैक्सी देख लो, हमको यहाँ पे बैठे हुए 10-15 मिनट हो गए, इतनी देर में ना ये बंदा छोड़ के हमको वापस भी आ जाता, यहीं पे खड़ी करनी थी तो टैक्सी छोड़ के वापस आ जाता, यहीं पे खड़ी रख लेता अपनी टैक्सी। पर नहीं भाई, ये ऐसे ही होते हैं, इनको नहीं कमाना, इनका जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। पर क्या बताएं, अगर कोई टैक्सी वाला देख रहा है ना भाई, जो काम मिले वो लो तुम, अगर जेन्युइन प्राइस ऑफर कर रहे हैं। मैं इसको भाई करता 25 में ऑफर कर देता, इसको सच बता रहा हूँ 25 में ऑफर कर देता, पर इसने बोला ही 50। मैंने कहा बार्गेन भी नहीं करनी देर से, और उल्टी जुबान और लड़ा रहा है कि बेलीज इज एक्सपेंसिव, बेलीज इज ब्यूटीफुल, इट इज एक्सपेंसिव बोलता। अब साले कमा तो $2 रहा है घंटे के, और बातें ऐसी कर रहा है जैसे मुकेश अंबानी हो। भाई अभी कर रहे थे बस का वेट, तो मैं आ गया था एक चिप्स लेने, दो आइसक्रीम ले ली, बैठ के कुछ खा लेंगे, क्योंकि कोई भी शॉप खुली नहीं है, चाइनीज लोगों की शॉप खुली थी। फिर ये लोग कहते हैं कि चाइनीज ने आके हमारे देश पे कब्जा कर लिया। अरे अरे भाई, तुम तो भाई मुद्दे पड़ गए, यहाँ पे 7 दिन की छुट्टी बनाने लग रहे हो। चाइनीज अपने मस्त पैसे कमा रहे हैं क्योंकि इन्हीं की दुकान खुली है, सब लोग यहीं पे आ रहे हैं, ठीक है। ये दुकान ये पैसे कमाएंगे बहुत सारे, फिर एक और दुकान डाल लेंगे, इनसे सस्ते रेट पे देंगे, फिर लोग और आएंगे इनके पास, ऐसे चाइनीज कब्जा कर लेते हैं। भाई वही है यार, जो मेहनत करेगा वो पैसे कमाएगा और वही राजा बनेगा। अगर तुम मुद्दे पड़ के एक कस्टमर से कमाना चाहते हो उतने पैसे, नहीं हो सकता कुछ भी। भाई ये आ गई अपनी बस, अभी उतरने लग रहे हैं, पैसेंजर तो कह रहा है पहले उतर लेने दो सबको। ये लिखा हुआ देखो, बैनक्वे। हमको पता था ऑलरेडी, हम तो वैसे ही अपना टाइम बचाने के लिए टैक्सी वाले से पूछ रहे थे। अब देखो वही बैठा, वहां बैठा है मोटे वाला टैक्सी वाला, उसका तो मुंह देखने वाला हो गया भाई। अब जैसे ही बस आई ना हमारी तरफ देखने लग गया कि इनको पता तो नहीं चल गया यही बस जाएगी, पर हमने उनको पता था ऑलरेडी पहले से ही। चलो देखते हैं, ये बस भी मतलब बॉर्डर से 3 किलोमीटर पहले उतारेगी, वहाँ पे भी इन्हीं टैक्सी वालों का सामना करना पड़ेगा हमको, पर कर लेंगे अब जो भी है, देखते हैं। लो भाई मस्त डिची डिची करते जाएंगे, सस्ते में हो गया काम। भाई ये चिप्स लेके आया था मैं, है तो नॉर्मल वाले ही, बस इसमें ब्लू कलर और मिला दिया, तो हमारी अपना जीप भी ब्लू हो गई। दिखाता हूँ आपको, $2.5 के थे, ऐसी हो गई जीप। एक आइसक्रीम भी खाई थी सीरिया में, उससे भी जीप नीली हो गई थी, जीप से भी हो गई, चल हो जाएगी तो ठीक, मजा आ गया खा के चरचरा। तो भाई पहली बार हुआ है कि बेलीज में टूटी हुई सड़क आई हो हाईवे पे, वरना सड़क बहुत सही थी। भाई अब बैनक्वे शहर में आ गए और ये टैक्सी वाले भाई मिल गए, ले तो भाई ये भी ज्यादा ही रहे हैं। चलो बैठो भाई, ये बैठ गए टैक्सी में। भाई ने बोला $2.5 अमेरिकन या फिर $5 लूंगा पर पर्सन, तो यही रेट चलता होगा यहाँ पे। मैंने तुरंत हाँ भर ली क्योंकि गर्मी में खड़े होने का फायदा नहीं है। अभी 2 मिनट में पहुंच जाएंगे बेलीज और ग्वाटेमाला के बॉर्डर पे। हम कैमरा भी लगा रखा भाई ने, कमाल यार। चलो ये आ गया भाई बॉर्डर का एरिया, टैक्सी वाला हमको शायद यहीं उतार देगा या फिर आगे या अंदर तक लेके जा रहा है। चलो सही है, वो आ गया सामने। भाई सामने आ गया बेलीज का इमिग्रेशन पॉइंट, और मैं आपको बताऊं तो भाई बेलीज और जो ग्वाटेमाला का बॉर्डर है ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, कि मतलब दोनों देश कहते हैं ये हमारा एरिया। ग्वाटेमाला तो बल्कि कहता है कि पूरे का पूरा बेलीज मेरा है। इनकी लड़ाई तब से चल रही है भाई जब से बेलीज जो ब्रिटिश के अंडर था, तब से लड़ाई चल रही है इनकी, और ग्वाटेमाला स्पेनिश के अंडर था। इसको ब्रिटिश ग्वाटेमाला, पता नहीं ब्रिटिश होंडुरस कहते थे शायद, तो तब से लड़ाई चल रही है इनकी। बॉर्डर भी डिस्प्यूटेड है, लाइन भी आप देखोगे तो डॉटेड आएगी पूरी की पूरी, जो कि इन्होंने ग्वाटेमाला के साथ शेयर करते हैं। पर जो मेक्सिको के साथ बॉर्डर है वो ठीक है, इनका कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। और ये बॉर्डर भी मतलब आम लोगों के लिए या फिर टूरिस्ट के लिए अभी थोड़े दिन पहले ही खुला है, मतलब थोड़े सालों पहले, 5-6 साल पहले। अभी इनका कोर्ट में केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में, तो उसका फैसला अभी तक आया नहीं है, 2025 में आएगा शायद। चलो क्रॉस करते हैं यहाँ पे, शायद $20 हमको एज ए एग्जिट फीस देनी पड़ेगी। भाई आ गए बॉर्डर के अंदर, और यहाँ पे देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई और चल ही नहीं रही लाइन। और ये है बॉर्डर की एग्जिट फीस जो मैं कह रहा था, $40 या फिर $20 अमेरिकन। इमिग्रेशन आ गए, यहाँ पे तो सिर्फ फीस ले रहे हैं, इमिग्रेशन आ गया है भाई। यहाँ पे लग गया लगभग ये मान लो 1.5 घंटे से भी ऊपर। भाई पता नहीं यार क्या है, ये जो ब्यूरोक्रेसी वाले देश है ना यार, ये बड़े परेशान रहते हैं, सब अपने ही चलाते हैं यार। $20 कलेक्ट करने इमिग्रेशन वालों कह दो, जैसे तुम एग्जिट के थप्पा मारो $20 ले लो, एग्जिट का थप्पा मारो $20 ले लो। पता नहीं अलग से काउंटर बना रखे, उसमें 10 इन्फॉर्मेशन लोड करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं,
ये थोड़ी दिक्कत हमारे देश में भी है कि भाई इस काउंटर पे जाओ, फिर उस काउंटर पे जाओ, फिर उस काउंटर पे जाओ। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रखा है? 1.5 घंटा लग गया सिर्फ $20 पे करने में। फिर इमिग्रेशन वाला पागल भाई, जब एक बात बताओ, तुमने मेरे को एंट्री दे रखी है तो मेरे पासपोर्ट पे तुमने सब एंटर करा होगा ना, कंप्यूटर में भी लिखा होगा ना कि भाई ये इस वीज़ा पे आ रहा है, या जो भी है अपने सिस्टम में एंट्री दी होगी ना मेरे को। वो ढूंढे जा रहा है किस वीज़ा पे है, किस वीज़ा पे है, किस वीज़ा पे है, मेरा ओल्ड शेंगन वीज़ा देख रहा है। अरे यार, दिमाग सा ख़राब हो गया, पता नहीं, ब्यूरोक्रेसी बहुत गंदी चीज़ है यार जिस भी देश में है। ये आ गए भाई यहाँ पे, शायद गाड़ियों की चेकिंग वगैरह होती है। चलते हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं। ये भगवान, अब यहाँ ये बेलीज का झंडा था। चलो चलते हैं, ग्वाटेमाला आ गया सामने लिखा हुआ, देखो भाई वेलकम टू ग्वाटेमाला। अभी वेलकम हुआ नहीं, यहाँ का भी इमिग्रेशन कराना है। पता नहीं यार कंप्यूटर बना क्यों रखे जब तुमको पता ही नहीं कि किस वीज़ा पे एंट्री दी हमको। चलो भाई यहाँ चलते हैं, अब ग्वाटेमाला की इमिग्रेशन पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। भाई टाइम की बर्बादी सी हो गई यार, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ जल्दी निकलने का। भाई ये आ गए ग्वाटेमाला की इसमें, पर वहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ था, ग्वाटेमाला में लगा हुआ है। यहाँ पे मतलब जितने ये बंदे क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए भी एसी है। चलो भाई इतनी वीडियो बनाते हैं, कोई टोक ना दे। भाई ये लग गए स्टैम्प, इससे ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकता। पता नहीं क्या 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 लिख दिया इसने, और 90 दिन का वीज़ा दे दिया। चलो ठीक है। तो भाई ये आ गए इमिग्रेशन से बाहर, यहाँ पे थोड़ा वहाँ से तो कम टाइम लगा, और यहाँ पे जो था US वीज़ा देखा मेरा, और कहते ठीक है, क्योंकि मेरा एक दोस्त आया था वो बता रहा था कि ये जो वीज़ा आपको यहाँ पे स्टैम्प मिलेगी ना, और जितने दिन इस पे लिखा होगा वो आपके वैलिड हो गए अगले 4 कंट्रियों के लिए। ये मान लो एल सलवाडोर, होंडुरस, ग्वाटेमाला और निकारागुआ कंट्री आपको पार करनी पड़ेगी जितने दिन आपकी इस वीज़ा पे लिखा है, ऐसा मैंने सुना था। क्योंकि ये C4 कंट्रीज होती हैं ये चारों कंट्री, पर निकारागुआ का अपना अलग ही सिस्टम चलता है, पर ये 3 कंट्री तो आपको इन दिनों में पार करनी पड़ेगी जितना आपका वीज़ा पे लिखा है, ठीक है। तो उसने कहा मैं आपको कहती स्पेनिश आती है, मैंने कहा नहीं आती। कहती त्रिंता दियास का दे दूँ, त्रिंता मेरे को पता ही नहीं चला क्या बोल रही है, कह रही 30 डेज का दे दूँ। मैंने कहा 15 का ही दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने 90 का दे दिया, तो सही है, कन्फ्यूजन में मतलब सही हो गया। वैसे मैं 90 दिन कौन ही रुक रहा है, चलते हैं। चलो अब यहाँ से आ गया, चलते हैं। तो भाई कर लिया, ये ब्रिज आ गया, इसको पार करना है। पीछे बॉर्डर था ग्वाटेमाला और बेलीज का, बिल्कुल पास पास ही था। चलते हैं भाई, मेरे से सवाल एक भी नहीं पूछा कि कहाँ रुकोगे, क्या कुछ नहीं पूछा। आखिरी में बस बोलती स्पेनिश आती है, मैंने कहा नहीं आती। 90 दिन का दे दिया स्टैम्प मार दी, US वीज़ा पे कुछ कुछ लिखा, और चलो चलते हैं। बहुत ही गर्मी हो रही है भाई, देखते हैं अब यहाँ से फ्लोरेस की क्या ट्रांसपोर्टेशन मिलती है। मेरे को टेंशन फ्लोरेस जाने की नहीं है, मेरे को टेंशन है फ्लोरेस से ग्वाटेमाला की बस की। देखते हैं भाई, 12:30 हो गए, यहाँ पार्टी सी भी चल रही है। ये नदी आ गई, यही इनका बॉर्डर होगा, थोड़ा पीछे बना दिया बस इन्होंने। चलो ऊपर ही चलते हैं भाई। ओ भाई यहीं पे नहाने लग रहे हैं बच्चे। ये आ गया भाई बॉर्डर, हो गई अपनी कंट्री नंबर 121। यहाँ खड़ी तो है बस, यहाँ तो कोई भी नहीं है, यही इनका ऑफिस है, बस भी छाप रखी है, देखते हैं। तो भाई ये आ गए हम बस टर्मिनल, एक तरह से एक ही कंपनी की बस चलती है, वो जो खड़ी है माया दे ओरो। ये बंदा कह रहा है भाई अभी जाना है आपको, तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, और कोई भी बस नहीं चल रही। हमारी 3 बस चलती हैं यहाँ से, एक चलती है 6 बजे, एक चलती है 7:30, और 7 से कैसे बोला ना, 7:30 हाँ, तो मतलब 6 से 8 के बीच में 3 बस चलती हैं, जो कि फ्लोरेंस भी जाती हैं और ग्वाटेमाला सिटी भी जाती हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आप ग्वाटेमाला सिटी की टिकट परचेज कर सकते हो, जो कि पड़ेगी आपको टोटल $35 की। तो अब शुरू से हिसाब लगाते हैं भाई, $35 की बस टिकट लेंगे हम, $5.50 कल उसमें आए हम, कितने हो गए 39.5। फिर हमने बॉर्डर तक की टैक्सी ली, कितने हो गए $2.50 हो गए 39.5, 40, 42, और $1.50 उसने लिया था हमसे, 42, 43 मान लो, $43 में हम ग्वाटेमाला सिटी पहुँच जाएंगे। जबकि बेलीज बंदा बोल रहा था, बेलीज हॉस्टल वाला, कि मैं लूँगा 100 या 110 बोला था उसने, मतलब लिख रखा था उसने, तो मतलब आधे से भी कम में हम पहुँच जाएंगे। और इसी बस में हमको बिठा के भेजता वो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, क्योंकि यही चल रही है बस, कोई स्पेशल शटल नहीं आती, वो बस में ही भेजता वो। तो वेट करना पड़ेगा, अभी 1:15 हुए हैं, फिर तो भाई होंडुरस वाले ज़्यादा टाइम लगा लेते, कोई दिक्कत ही नहीं जब तक कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो अब चलते हैं यहाँ से ATM चलते हैं, क्योंकि ये डॉलर में कह रहा है कि 39 लूँगा, और अगर वैसे ग्वाटेमाला में पे करेंगे हम तो हमको पड़ेंगे कुछ 35 के करीब। तो वैसे भी ATM भी फीस लेगा यहाँ पे,
पर एक बार में हम आगे के लिए भी पैसे चाहिए ना हमको ग्वाटेमाला में, हर जगह हम कार्ड कार्ड करते रहेंगे तो वो हर जगह 5% एक्स्ट्रा लेते थे, एक बार में निकलवा के छुट्टी करते हैं भाई। पीछे एक्सचेंज वाला भी मिला तो मैंने कहा यूरो के कितने देगा, यूरो पाजी ने दे दी थी मेरे को 100, तो कहता 7, ऑफिशियल रेट है 8.4। खैर 8 भी बोलता तो मैं करा देता यूरो एक्सचेंज, कि अकाउंट में से देने से तो बढ़िया ही है। हमने कहा डॉलर के कितने देगा, कहता 7। मैंने कहा अच्छा जी तोल दिया तूने, यूरो और डॉलर सेम ही मानते हैं लगभग ये लोग, तो डॉलर लाने का ज़्यादा फ़ायदा है। अब चलते हैं, एक एटीएम बताया पेट्रोल पंप पे है, उससे निकल गए ठीक है, नहीं निकले देखते हैं। भाई एटीएम मिल गया भाई, तू निकाल दियो और ज़्यादा निकाल दियो भाई। वेलकम, देखते हैं बताता हूँ भाई निकालता है नहीं निकालता ये। भाई से एटीएम ने बोला मैं मैक्सिमम 2000 निकालूंगा और 50 मैं ट्रांजैक्शन फीस भी लूंगा, कर रहा है ना कुछ निकाल दिए। मैं 3000 भरे थे तो कहता 2000 निकालूंगा, ओ निकाल दिए। अब हम उससे कहते हैं चल तू हमको यूरो दे, बार बार एटीएम से निकलवाते चल यूरो दे, तू आसान के रेट पे यूरो दे दे। हाँ देगा ही नहीं पता है। लो भाई मजे करो। भाई ये वाला पेट्रोल पंप है टेक्साको, और आप एटीएम नियर में सर्च करोगे तो आ जाएगा कजैरो। कजैरो शायद एटीएम को कहते हैं, ये पता नहीं कंपनी का नाम है, एटीएम को कजैरो कह देते हैं। तो ये वाला है, बैंक का नाम है बैन रूरल। 2000 क्विटजल्स निकाल रहा है ये एक बार में और 50 क्विटजल्स की फीस ले रहा है, ठीक है भाई कोई बात नहीं। 500 रुपये के करीब फीस ले ली भाई जी एटीएम ने, पर वो बंदा कह रहा था एक टिकट पे $5 से मार रहा था, तो हमने कहा फिर तो सही है कि इसी से निकलवा लेते हैं। आगे भी बहुत जगह देने हैं, ये दुकान उकान वाले कार्ड कोई नहीं लेगा। बताओ इनके अलग चूल्हे रखे हैं, इन्होंने बुलेट बना रखी है अपनी स्प्लेंडर, तो ये कोई कार्ड वार्ड नहीं लेगा तो हमको निकलवाने फिर भी पड़ते, एक्सचेंज फिर भी कराने पड़ते। तो अब जहाँ जहाँ कार्ड टैप होएगा ना वहाँ वहाँ कार्ड टैप करते जाओ, और ये इमरजेंसी के लिए रख लिया कि भाई कोई कह दे कि कार्ड नहीं चलेगा तो ये उन चीज़ों के लिए पैसे, जैसे बस वाला कह रहा है कार्ड नहीं चलेगा यहाँ पे। भाई ये है ग्वाटेमाला की करेंसी सिन क्विटजाल्स, मतलब 100 क्विटजाल आज का रेट है भाई इसका, एक क्विटजाल में 10.7 इंडियन रुपीज, मतलब ये है 1070 रुपए का एक नोट। तो एटीएम ने 50 लिए तो मतलब 535 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। अरे और मेरे दिमाग से निकल गया यार, मेरे ना पर्स में 70 क्विटजाल्स पड़े थे जबकि मैं ग्वाटेमाला कभी आया ही नहीं, वो इसलिए पड़े थे क्योंकि परमवीर जब मेरे को मिला था ना उसने मेरे को सारी सेंट्रल अमेरिकी करेंसी दे दी जो भी उसके पास बची थी, मैंने उसको उज़्बेकिस्तान वगैरह की दे दी थी, मैंने कहा ये मेरे किसी काम की नहीं, वो बोला ये मेरे किसी काम की नहीं है, तो हमने एक्सचेंज कर ली थी। मेरे तो अभी दिमाग में आया, पर 70 क्विटजाल्स में होना तो कुछ नहीं था, निकलवाने तो फिर भी पड़ते, चलो वो भी यूज़ हो जाएंगे। अब भाई अभी इस दुकान से गेटो रेड ले ली मैंने तो, दिखाओ देखो 10 और ये 2 दिए भाई संटी भाई के हो गया, दो बनवा ले चलो खत्म करो बना लो दो। ओके ओके 1 1 उनो वन, नो नो इज ओनली। भाई मैं तो यार इतना दयालु, उसने 2 गिलास निकाल लिए मेरे को लगा बर्फ पीस दी, तो भाई 2 बना दे कोई नहीं। पहले तो मैं 1 ले रहे हैं टेस्ट करने के लिए, पता नहीं कैसा सा हो, पैसे फेंकते भी तो नहीं घूम सकते, पर हाँ अगर कोई गरीब बंदा ऐसे किसी का हो जाता है भाई उसको लगा कि 2 बनाने हैं, तो उसने कहा नहीं 1 इनके लिए है जो यहाँ पे बैठे हैं, तो हमने कहा कोई नहीं 2 बना दे। लोगों को लगता है मैं पैसे बचाता हूँ, बिल्कुल नहीं बचाता भाई, मैं जितने जो मांगता है सब देता रहता हूँ। अभी गेटो रेट में पता है क्या हुआ, गेटो रेट में हुआ मेरे को 10 की दे दी, संटी भाई आए 10 लेके और 2 सिक्के भी ले आए। मैंने कहा सिक्के कहाँ से ले आए, कहता उसने मेरे को 8 की दी है। मैंने कहा ये क्या चल रहा है आपको 8 की क्यों दी, मैं वापस गया मैंने कहा भाई 10 की थी ना ये, तो कहता हाँ 10 की थी, कहता 2 सिक्के दे दिए क्या मैंने, चल वापस दे, उसने मेरे से 2 और सिक्के वापस कोस लिए, तो कहता थैंक यू ठीक है कोई नहीं। चलो देखते हैं संटी भाई क्या बनवा रहे, इसलिए भी 10 का ही दे रहा है भाई, चला गया और हमको ये दे गया 10 क्विटजाल्स में। अच्छी है लोकल ड्रिंक भाई, संटी भाई कह रहे हैं कि चलो नदी में नहा के आते हैं, पता नहीं भाई कूड़ा तो मचा रखा है लोगों ने, कैसे नहाएंगे अब देखते हैं। चलो ले लिया भाई 1 चड्डी और 1 तौलिया। भाई देखो ये बेलीज और ग्वाटेमाला का बॉर्डर है, वही नदी है, कितने लोग हैं भाई यहाँ पे, कितने लोग नहाने लग रहे हैं। चलो हम भी देखते हैं कुछ,
भाई बहुत ही सारे लोग हैं यहाँ तो, सब पार्टी वार्टी करने लग रहे हैं और यहाँ कूड़ा भी इतना पड़ा हुआ है यार, मनसा ही नहीं कर रहा मेरा तो जाने का। कूड़ा मचा दिया ना तो मनसा नहीं कर रहा। और कहाँ रखेंगे फ़ोन, यहीं रख के जाने पड़ेंगे, कोई हो ले जाएगा उठा के। वो रहा अभी देखो ब्रिज जिस पे से अभी चल के आए थे भाई, ये नदी थी वहाँ पे थे हम दूर कहीं पे, ब्रिज के इस साइड आ गए अब हम। यहाँ पे थोड़े कम लोग हैं, संटी भाई कर रहे हैं तैयारी जाने की, पर मेरे तो बस की है नहीं, हरा हरा सा पानी देख के कहीं कुछ हो जाए इन्फेक्शन वगैरह। पर संटी भाई थोड़े गाँव के बंदे हैं, जाओ चलो भाई। हालत देख सकते हो, पता नहीं एकदम से सैनिक वादियों से यहाँ पे इतनी गर्मी कैसे हो गई, 35 डिग्री होने लग रहा है। मैंने कहा ग्वाटेमाला सिटी का देखें, वहाँ पे हो रहा है 29, 5 डिग्री का अंतर। और एंटीगुआ जो हम एक और शहर जाएंगे वहाँ पे हो रहा है 27। तो ये किस्मत में लिखा था कि यहीं पे बैठना है और यहीं पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। भाई बाहर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, हम ये भाई के पास आके बैठे हैं, इस भाई ने अपनी तरफ पंखा कर रखा है, ये भी बिल्कुल दयालु नहीं है कि भाई चलो तीन पंखे रखें, एक तो तुम्हारी तरफ कर दूँ, एक उस तरफ भाई बैठा है दो पंखे लेके, एक ये पंखा लेके बैठा है, ऐसे तरस रहा हूँ मैं एक पंखे की हवा सी लग जाए कुछ। भाई बड़ी गरीबी यार इन देशों में, मैक्सिको तो इनके सामने ना एक बात मैं बता रहा हूँ लग्जरी है इसके सामने, मैक्सिको बिल्कुल लग्जरी मान सकते हो आप। टाइम पे बसें चलती हैं, सब मतलब सब कुछ एसी वेसी मिल जाएगा आपको, खाने पीने और KFC सब मतलब छोटी से छोटी टाउन में मिल जाएगा मैक्सिको में। भाई ये देश की तो बहुत बुरी हालत है इन देशों की तो। भाई ये थी टिकट देख लो 270 की, सीट नंबर 29 और 30, मतलब ये मान लो 3,000 रुपये की बस है भाई ये वाली। मेलचोर डे से जाएंगे हम, यही है इसकी जगह और डेस्टिनेशन हमारी ग्वातेमाला, 6 बजे निकलेगी। भाई 4:30 हो गए और यहाँ पे ढूंढा एक होटल, वाई रेस्टोरेंट लिखा, वाई का मतलब होता है एंड। चलो देखते हैं भाई यहाँ पे कुछ खाने को मिलता है या नहीं, सब कुछ बंद है भाई पूरा शहर आज। भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल गया और वो बोले हम चिकन देते हैं, राइस देते हैं और सैलेड देते हैं, और मैंने कहा स्पाइसी सॉस दे देना, मैं खा तो कुछ भी लूँगा, सूखे चावल खा लूँगा मैं, पर स्पाइसी सॉस दे देना, फीके नहीं खा सकता। कहता हाँ स्पाइसी सॉस मिल जाएगी आपको, खा लेना। देखते हैं भाई जो भी आता है, एक मंगा लिया तो अभी और कोई रेस्टोरेंट खुला भी नहीं है, एक हो रहा है उस साइड पर, देखते हैं कैसा क्या आता है। 1.5 घंटे बाद बस है भाई, टाइम पास ही नहीं होके देता गर्मियों में तो, सर्दियों में तो बाद बंदा बाहर घूम ले टाइम पास तो कर ले। ये बुलेट पे घूम रहे अपनी सारी, पर इनके वो नहीं है कि भाई खोल लें कुछ, इंडिया में अरे ऐसा नहीं होता, छुट्टियाँ वुट्टियाँ होती हैं ना सब कुछ खुला रहता है, मतलब तो रात रात तक खुला रहता है, कुछ भी ऑर्डर करो, उबर मंगाओ, टैक्सियाँ चलती हैं, बस चलती हैं, ट्रेन चलती हैं। ये देश दिहाड़ीदार देश है, मतलब घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं ना, दिहाड़ीदार देश है सारे के सारे ये अमेरिका साइड के, कि जब दिहाड़ी मिलनी बंद अपने छुट्टी पे, जब दिहाड़ी मिल रही है तो काम पे आ जाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, ये चीज़ बहुत अच्छी है यार इंडिया की, कहीं पे भी उतरो कुछ भी ले लो, कितने बजे भी उतर रहे हो आप तो सब मिल जाता है यार इंडिया में, तो ये देशों की थोड़ी दिक्कत है, पर चलो ठीक है देखते हैं क्या रहता है। भाई ये आ गया था चिकन, ये टोर्टिला के अंदर मैंने चावल भर दिए, स्पाइसी वाली सॉस भर दी, मतलब ये हो गया कि भूखे नहीं मरेंगे, बस इतना हुआ है काम, कोई मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। भाई हमारा टाइम पास तो इस बिल्ली के साथ, तेरे कुत्ते के साथ हो रहा है। अब आप सोचोगे मैं हड्डी भी खा गया क्या, नहीं भाई, हड्डी वड्डी कुत्ते को दी ना, कुत्ता सब चबा गया, हड्डी भी नहीं छोड़ी, हड्डी कचर कचर करके पूरी हड्डी खा गया, अभी संटी भाई की भी हड्डी डाल देंगे उसको। भाई खाना काफ़ी अच्छा था, चिकन अच्छे से बना रखा था, चिकन को भी टोर्टिला में डाल के चावल के साथ मैं खा सकता था, पेट भरने के लिए तो करना ही पड़ता है, हर जगह मसाले नहीं मिलते, पर वो सॉस यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका साउथ अमेरिका हर जगह मिल जाएगी, आपको बस कहना है पिकांते सालसा, वो समझ जाएंगे कि आपको स्पाइसी सॉस चाहिए तो आपको दे देंगे, मिली ही जाती है, कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा जो ये स्पाइसी सॉस पूरे लैटिन अमेरिका में ना रखता, क्योंकि टाकू फाकू में डालते रहते हैं लोग। चलो भाई वापस चलते हैं बस स्टेशन, और देखना ये कुत्ता सोच रहा है, पिछले 2-3 दिनों से ना हम सब कुत्तों से डर रहे हैं तो इससे भी डरेंगे। ओ भाई तेरे से नहीं डरते। भाई ये देख लो बॉर्डर पे नाच गाना चलने लग रहा है, यहाँ पे ऐसे बॉर्डर है। भाई एक बेचने वाला आया था इसके पास, देखो क्या क्या है, अलग अलग तरह की मूंगफली वगैरह, वही बनाना चिप्स वगैरह, तो ये लिए मैंने तो 10 के दिए हैं, बहुत महंगे दिए हैं मेरे हिसाब से, हमारा पागल बना दिया, मतलब 100 रुपए के, ये दो तीन कोटजाले इसके मिलने चाहिए, यहाँ पे 100 के दे दिए। चलो नींबू विम्बू दिया तो छिड़क लिया, खाते हैं।
चलो भाई टाइम हो गया 6:10 बस वहां लग गई है, लोग सामान रखने बैठते हैं भाई, हम तो मर लिए। अब थोड़ा वेदर ठीक हुआ है, अब बस चलने का टाइम हो गया, चलो चलते हैं। चलो भाई बस के अंदर, वो भाई कैमरा भी लगा अंदर। भगवान इस बस का एसी इतना तेज चलाइयो कि मैं ना ठिठुर जाऊं, सर्दियों के कपड़े निकालने पड़ जाए मेरे के, इतनी गर्मी लगी है भाई। ओहो एसी मस्त चल रहा है, और ठंडा कर दो भगवान जी इसको। भाई बैठ गए बस में, अब डिसाइड हमको ये करना है कि आज का भी होटल बुक करें या फिर नहीं, क्योंकि बस हमको लगभग 5 बजे के करीब सुबह उतारेगी ग्वाटेमाला सिटी में, तो ना भी करे तो चल सकता है। चलो देखते हैं, डिसाइड सा करते हैं। वैसे इतने महंगे हैं नहीं, पर कुछ पैसे बच रहे हैं तो क्या ही जा रहा है ना। चलो भाई देख लो, कितने घंटों से हम बॉर्डर टाउन में बैठे थे, मैं जल गए पूरा, पंखा तक नहीं था भाई वहाँ पे। चलते हैं भाई, एसी तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जन्नत आ गई भाई। लो भाई निकल चुके हैं, हो गई है ऑलमोस्ट रात। अब मेरे हिसाब से आपको ग्वाटेमाला सिटी जाके ही मिलूंगा मैं, या फिर फ्लोरेस में रुकी बस तो उतर के दिखा दूंगा अगर हिम्मत बची हुई तो। 10 घंटे बैठे रहना भाई इस बस में, सोच लो अब क्या हालत होने वाली है। भाई ये पहुंच गए हम ग्वाटेमाला सिटी और उतार दिया बस ने। अटैक कर दिया इसने तो। तो भाई अभी हमने हॉस्टल से बात करी, बज रखे 4:40 और सुबह के 4:40, और हॉस्टल वाले बोले व्हाट्सएप पे कि हमारा तो हॉस्टल रिसेप्शन चेक इन 7 बजे खुलेगा सुबह। तो अब चलेंगे यहाँ से, लगभग 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद टैक्सी टुक्सी लेके वहाँ जाएंगे। अब तो यहीं वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे देश मैंने आपको बता ही रखे हैं, चोरी डकैती वगैरह फेमस हैं, तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं तो थोड़ा सही लग रहा है। तो भाई हमको तो पता ही नहीं था यहाँ पे एक बस स्टैंड भी है प्रॉपर तो मैं खैर नहीं कहूँगा, पर ठीक है, बाहर बैठने से तो बहुत सही है। ग्वाटेमाला सिटी में ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है भाई, तो बाहर तो कपकपी से छूट रही थी। एक तो बस वाले ने इतनी ठंड कर दी थी भाई, पता नहीं कौन सा एसी चला दिया, मेरी बात सीरियस ले गया वो कि कुल्फी बना देना, बना दी भाई मेरी कुल्फी और बिल्कुल ठंड में मरते आया हूँ। ये मान लो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी बस यात्रा हो गई, लगभग 11 घंटे की लगातार एक ही बस में बैठने की, कहीं रोकी भी नहीं, बस पैसेंजर उतारता एक मिनट, उतारे पैसेंजर तो चढ़ाने से चढ़ाए और चल देता, कहीं नहीं इंडिया की तरह नहीं है ढाबे पे रोक दी ये वो। इंडिया में तो मैं अपने कॉलेज जाता तो 3 घंटे की बस राइड पे ढाबे पे रोक देते थे, यहाँ कुछ नहीं था भाई, 11 घंटे तक बैठे रहो वहीं पे उसी सीट पे, बस टॉयलेट की बस में पीछे जो सुसु करना कर लो। ये देखो भाई यहाँ लेटे पड़े हैं अभी हम, ऊपर से भाई हॉस्टल वाले ऐसे कह रहे कि भाई 7 बजे खुलेगा हमारा रिसेप्शन ही, लॉक करके बैठे अपना। अरे भाई देश तुम्हारा खतरनाक है, दुखी हमको कर रखा है तुम लोगों ने, खोलो रिसेप्शन, हम तो एक दिन के एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, बल्कि 2 दिन की बुकिंग कर रखी है मैंने, चेक इन आज करेंगे जबकि कल की बुकिंग थी, मैंने कहा पैसे दे दो एक्स्ट्रा पर जाते ही चाहिए, किसी के गिड़गिड़ाना ना पड़े कि भाई अर्ली चेक इन दे दो ये दे दो वो दे दो, मैं कहा एक्स्ट्रा बुकिंग। अब संटी भाई को मिल गई लेटने की जगह, लगभग ये मान लो 5:45 हो गए, लगभग 45 मिनट में और टैक्सी वैक्सी से बुलाएंगे चलेंगे। ग्वाटेमाला में ऊबर भी चलती है तो ये बात थोड़ी सही है बेलीज से कि टैक्सी वालों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, ऊबर से बुक करेंगे और चलेंगे। भाई यहाँ पे दिन हो चुका है, टैक्सी हमने ऑर्डर कर दिया भाई ऊबर से, ये वाली देखना ये तो नहीं है, नहीं ये नहीं है, नहीं है, देखते हैं भाई टैक्सी आती है यहाँ पे फिर चलते हैं। भाई यहाँ कहीं छोड़ दिया टैक्सी वाले ने, हॉस्टल तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। टैक्सी का बिल आया 27 ग्वाटेमालन, क्या है इनकी करेंसी, क्विटजाल्स। भाई पूरा दिमाग बंद हो चुका और सुसु आ रखा है मेरे को बहुत तेज़, रिसेप्शन वाले साले खोल देता जल्दी 2-3 घंटे तो मज़े से सो जाते वहाँ पे, उन फट्टों पे लेट के ऐसी नींद आई ना, मतलब मान लो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कितने दिनों से मैं नहीं सोया हूँ, आधे घंटे में ऐसा लग रहा है मैंने 3-4 घंटे की नींद ले ली हो। अब जाती ऐसे लेट जाएंगे, खाना पीना बाद में भाई, पहले नींद पूरी करूँगा मैं तो।
कहाँ है भाई हॉस्टल, दिख ही नहीं रहा। ओ ये रहा, और ये है अभी बंद। ओ खुल गया, पहुंच गए। संटी भाई को ले आऊं।